चाह, हम आ गया एक नया टॉपिक पे, वो है हाउ मच टाइम वी शुड फास्ट बिफोर सर्जरी। समझो, लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसा एक पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया और आ गया हमारा हॉस्पिटल, और पेशेंट को बहुत दर्द हो रही है। वो पूछा है कि सर ये सर्जरी करना है तो आप जल्दी करो, ऐसा नॉर्मली रूटीनली पूछता है। हम आप वैसा कंडीशंस में इमीडिएटली सर्जरी नहीं कर सकते हैं। हम छोटे सवाल पूछते हैं, जैसा है कि आप कुछ खा लिया, खाया तो क्या चीज खाया, वो सारे पूछते हैं। ये सारे पूछने का मतलब क्या है? सो पहले हम देखते हैं कितना समय के लिए वेट करना पड़ता है कुछ खा लिया तो। वो देखते हैं, पहला है सॉलिड डाइट पे। सॉलिड डाइट मतलब हम कुछ नाश्ता कर लिया या कुछ मतलब लंच या डिनर कर लिया है तो 6 घंटे के लिए रुकने के लिए बोलते हैं। समझो कुछ आपका डाइट पे कुछ नॉन वेज खा लिया या कुछ फैटी मील खाया। फैटी मील मतलब कुछ बिरयानी ये पूरी ऐसे ज्यादा खा लिया है तो 8 घंटे के लिए रुकना पड़ता है। और तीसरा है क्लियर फ्लूइड्स के लिए 2 घंटा रुकना पड़ेगा। क्लियर फ्लूइड्स का मतलब है पानी कुछ पी लिया या कुछ ऑरेंज जूस ले लिया, मतलब पल्पी वाला नहीं है, नॉर्मल ऑरेंज जूस पी लिया है तो वो क्लियर फ्लूइड्स के अंदर आता है। कुछ ज्यादा पल्पी ऐसा कुछ है तो हम थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है। और कुछ चाय पी लिया या कुछ कॉफी पी लिया, उसमें मतलब बिना दूध वाला है तो 2 घंटे के लिए रुक सकते हैं, या कुछ दूध भी मिला के लिया है तो थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ेगा। और छोटे बच्चों में जैसा कि माँ का दूध पी रही है, उन लोगों में 4 घंटे के लिए रुकना पड़ता है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो। सो ये क्यों इतना टाइम रुकते हैं? सो जो खा लिया वो सारे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ही हम सर्जरी कर सकते हैं। सो क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा पूछेगा तो, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है एस्पिरेशन बोलेगा। एस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये समझो हम, ये हमारा माउथ है, हम कुछ खा लिया, खाने के बाद क्या होता है, ये पेट के अंदर जाने के लिए ये यूसोफेगस के द्वारा में जाएगा, और ये हमारा नोज है, इधर से सारे रेस्पिरेशन चलेगा। और जब भी हम अनस्थीसिया दे देते हैं, जैसा है कि स्पाइनल अनस्थीसिया या जनरल अनस्थीसिया देने के बाद कुछ समय ये हमारा जो खा लिया जो चीज है, इधर से रेस्पिरेशन मतलब ये लंग्स में जाने का चांस रहते हैं, इसको एस्पिरेशन बोलता है। सो ये कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो ये हम बंद करके रखने के लिए ये प्रिकॉशन ले लेते हैं, जैसा कि कुछ खा लिया तो रुकते हैं, इमीडिएटली सर्जरी करने के लिए जाएगा नहीं है। सो दिस इज माई टॉपिक, आपको थोड़ा यूजफुल हुआ होगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। Thank you.